दोस्तों ये एक मिनी हीटर है और इसको आप डायरेक्टली जो है अपने स्विच बोर्ड में लगा के ऑन करके अपने रूम को मतलब अपने रूम का जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल कर सकते हो। जैसे कि आप सभी को पता है सर्दियों का मौसम आ चुका है, तो सर्दियों के मौसम में रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम लोग हीटर लगाते हैं और उसमें से हीट निकलती है। तो नॉर्मली क्या होता है हमारे घरों में मतलब बड़े वाले हीटर होते हैं, जो गोल वाले हीटर होते हैं, जो पहले हम लोग चलाया करते थे। आजकल के टाइम पे तो काफी अच्छे अच्छे हीटर आ चुके हैं, लेकिन ये एक मिनी हीटर है। मिनी हीटर, पोर्टेबल हीटर, डायरेक्ट आप स्विच बोर्ड में लगाइए और चलाइए। इसमें आप देख सकते हैं, आप इसमें टेम्परेचर को भी सेट कर सकते हैं, 30, 31, 32, इस तरह से आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं और अपने रूम के टेम्परेचर को नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आगे एक हीटर लगा हुआ है और पीछे पंखा होता है, जब वो हवा फेंकता है तब इसमें से गर्म हवा निकल के आती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक रिमोट कंट्रोलर भी मिलता है जिससे आप लोग इसका जो टेम्परेचर है उसे सेट कर सकते हो, ठीक है, कम ज्यादा भी कर सकते हो। मतलब ये एक मिनी हीटर है, मतलब पोर्टेबल हीटर है, ठीक है, छोटा हीटर है। आप देख सकते हैं आपके स्विच बोर्ड में इतना बड़ा लगेगा, ये इतना इसका साइज है। आप देख सकते हैं रिमोट कंट्रोलर भी है और ये एक अच्छी बात है कि रिमोट से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो और टेम्परेचर को कम ज्यादा कर सकते हो, ये चीज जरूर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आप इसे अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो अमेजोन की वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। तो लिंक पे क्लिक करके ही इसे परचेज करना, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। ठीक है दोस्तों, और ये ज्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता ही है, आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जो भी पूछना है मुझसे पूछ सकते हो हीटर के बारे में, मैं आपको जरूर उसके बारे में बताऊंगा। और ऐसी अमेजिंग डील्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे द्वारा वीडियो मिल सके और पता चल सके कि मैं फ्यूचर में किस प्रोडक्ट पे वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लिंक पे क्लिक करके ही इसे परचेस कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।